देख रहे हैं कि जो 3 तारीख में किसानों के ऊपर जो गाड़ियां 3 कार सहित 3 लगे हैं कुचलने का नाम जो घटना घटी थी, उस घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम सहित SIT की टीम मौके पर रिकेशन के लिए लेके आई है। आप देख रहे हैं कि पूरी टीम फॉरेंसिक टीम के साथ में पूरी जगह घटनास्थल पर मौजूद है और एक एक करके सबसे जो है घटनास्थल के बारे में जानकारी ली जा रही है, जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच SIT टीम ने आरोपियों संग घटनास्थल पर रिक्रिएशन किया। तिकुनिया खीरी पुलिस प्रशासन हर उस बारीक से बारीक पहलू पर नजर रखे हुए है जिससे तिकुनिया में 3 अक्टूबर को किसान आंदोलन में 8 लोगों की मौत हो गई थी। घटना का पर्दाफाश करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में SIT टीम का गठन किया गया, जिसमें सूत्रों के मुताबिक SIT टीम को काफी कुछ जानकारियां हाथ लगी। अब तक नामजद आरोपी में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू सहित 6 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी क्रम में आज SIT टीम ने आरोपियों संग तिकुनिया घटनास्थल का रिक्रिएशन करते हुए घटना को पुनः रिक्रिएट किया, जिससे इलाके के लोगों में काफी उत्सुकता का माहौल बना रहा। इस मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स SSB फॉरेंसिक टीम के साथ UP पुलिस जवान भी मौजूद रहे। यहां आपको बताते चले कि 3 अक्टूबर को डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का गृह राज्य मंत्री के गांव बनवीरपुर में आयोजित कुश्ती समारोह में शिरकत करना था। इसी बीच रास्ते में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम जिधर किसान थे उधर से जाने का निरस्त हो गया, जिससे किसान अपने घर वापस चल दिए। इसी बीच 3 गाड़ियों के काफिले ने कई किसानों को रौंद दिया था, जिसमें 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत हो गई। आक्रोशित भीड़ ने चालक सहित 2 लोगों को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। लखीमपुर खीरी से जसवंत कुमार वर्मा की रिपोर्ट।
जा रहा है जहाँ पर थार जीप पलटी थी। आप देख रहे हैं कि ये जीप आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये आगे बस होने के कारण आप देखिए कि ये बाएं ओर शिफ्ट होती नजर आ रही है। यहाँ पर डिसबैलेंस होने के कारण ये जीप पलटती है और फिर यहीं पर आक्रोशित लोग पीछे से जो हैं वो आग लगाते हैं। हालांकि इसमें से जो लोग होते हैं कुछ लोग उतर कर भागने में भी कामयाब होते हैं, जिसमें वो जो सुमित जायसवाल नाम का सत्ता, जिसको आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जब हादसा होता है तो उसके बाद वहाँ नहीं रुकी है, यानी रोका गया है। निकली कहाँ है, रुक गया है गाड़ी का, तोड़ी गया सीधा ला, हम तोड़ी का सीधा बच्चे कैसे तोड़ी गया है, वह कहानी करी गया। वह जहाँ पर खड़े हैं यहाँ बैरिकेटिंग जहाँ गाड़ी सामने है, इधर वह फंसी रहे हैं, बस रहे क्यों है डी आई जी उपेंद्र, वो है जो मोटा वाला है वो उपेंद्र है।